उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की ये तस्वीर उन तमाम अधिकारियों को देखनी चाहिए जो आईएएस और आईपीएस बनने के 2 साल बाद कैमरा लेकर सड़क पर अधिकारियों को गाली देते नजर आते हैं। ये तस्वीर देखनी चाहिए उन तमाम सुपर कॉप्स को जो तमाम बार सड़कों पर खड़े होकर लोगों से चश्मा लगाकर ऐसे बात करते हैं जैसे आईएएस नहीं इंद्र की सभा का कोई देवता सड़क पर उतर आया हो। तस्वीर मुजफ्फरनगर जिले के एसएसपी संजीव सुमन की है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई बार अफसरों को किस प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाना होता है, संजीव सुमन ने इस बार उसकी मिसाल पेश की है। तस्वीर कांवड़ यात्रा की है, महीना सावन का और जिला मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर यानी एक जमाने में अपराध के लिए उत्तर प्रदेश का सबसे कुख्यात जिला। इस जिले में शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा निकलवाने की जिम्मेदारी एसएसपी संजीव सुमन के पास थी। कांवड़ यात्रा के लिए तमाम कांवड़ यात्री जल लेकर जिले में दाखिल हो रहे थे कि पुलिस ने आदेश दिया कि वो रूट डाइवर्ट कर लें क्योंकि जाम की स्थितियां और सड़कों पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कांवड़ यात्री इससे नाराज हो गए। स्थानीय पुलिस ने स्थितियां संभालने की कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। मामला पहुंचा एसएसपी संजीव सुमन के दरबार में। मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले संजीव सुमन को जानकारी मिली तो वो तमाम अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन इस बार किसी से जोर जबरदस्ती नहीं की गई। कांवड़ यात्रियों से कोई भी बहस की बात नहीं हुई, सिर्फ इतनी बात हुई कि अपना रूट डाइवर्ट कर लीजिए, सुविधा दोनों को होगी। कांवड़ यात्री नहीं मान रहे थे, एसएसपी ने अपने तरीके से समझाना शुरू किया। बात समझने और समझाने तक पहुंची और उसके बाद कांवड़ यात्री इस बात पर राजी हो गए कि वो दूसरे रास्ते से शहर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ये भी कहा गया कि व्यवस्था बनाई रखी जाएगी जिससे आम लोगों को कोई असुविधा ना हो। लेकिन डीजे की धुन पर नाचते कांवड़ यात्रियों ने अपनी खुशी में एसएसपी को भी शामिल करने का फैसला किया। नाचते कांवड़ यात्रियों को निकलवाते एसएसपी को देखकर कुछ लोगों ने उन्हें भीड़ में खींच लिया और उसके बाद क्या, कप्तान साहब ने हाथ उठाया और शिव भक्तों के साथ ऐसे नाचे कि तस्वीर देखकर लोगों ने कहा, वाह, जिले का कप्तान अगर ऐसा हो तो कानून व्यवस्था बनाने में जनता का सहयोग प्रेम भाव से ही मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में आजकल तस्वीर ऐसी ही है। तमाम जिलों में कहीं डीएम खुद कांवड़ यात्रियों को रोटी बनाकर खिला रहे हैं तो कहीं एसएसपी लोगों के साथ डांस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और हजारों शिव भक्तों के रेले को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो तमाम लोगों ने ये बात लिखी कि ये चीजें उन नए अधिकारियों को सीखनी चाहिए जो यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करने के बाद खुद को खुदा समझने लगते हैं। लोगों ने यह नसीहत दी है कि अफसरों को नौकरी में आने के बाद ये याद रखना चाहिए कि समाज किस भावना से चलता है, भावना का सम्मान होना चाहिए और उस भावना में अपनी हिस्सेदारी भी सुनिश्चित करनी चाहिए। कोई अफसर समाज का बहुत बड़ा आदमी नहीं होता, वो तो समाज का अंग है, जनता उसके साथ काम करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। एसएसपी संजीव सुमन ने ये बात जरूर सिखाई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।